हाई फ्रेंड्स, राजेश हियर फ्रॉम टेक्नोबस.net। जैसा कि कई दिनों से एक न्यूज़ निकल के आ रही थी कि MIUI 11 की जो है बीटा टेस्टिंग स्टार्ट हो गई है और काफ़ी सारे नई चीज़ें आपको उसके अंदर देखने को मिलेंगी, तो उसी तरीके से आपको एक नया लॉन्चर भी उसके अंदर देखने को मिलेगा। तो वो जो लॉन्चर जो है वो एक तरीके से लीक्ड हो गया है, अल्फा स्टेज पे है। अगर आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं बताऊंगा उसके क्या क्या नए फीचर्स आपको उसके अंदर देखने को मिलते हैं और कैसे आप उसको अपने किसी भी Xiaomi फ़ोन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तो अभी तक जो आपके सामने लॉन्चर आता था वो कुछ इस तरीके से होता था कि आपको होम स्क्रीन कुछ ऐसी दिखती थी और बाकी एप्लीकेशन आपको स्लाइड करके आपके नेक्स्ट पेज पे आपको देखने को मिलते थे। बट अभी जो इन्होंने नया जो लॉन्चर जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो MIUI 11 का नया लॉन्चर हो सकता है, उसमें कुछ नए चेंजेस किए गए हैं। उस लॉन्चर को मैंने इंस्टॉल कर लिया है। इंस्टॉल करने के बाद अगर आप अपने सेटिंग्स में जाते हैं और मोर के बटन पर टैप करते हैं, एक चाइनीज लैंग्वेज में कुछ लिखा होता है उस पर आप टैप करेंगे तो आपको दिखाता है कि अभी आपने इस तरीके का लॉन्चर आप यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड लॉन्चर की जो सेटिंग्स है जो आपको मिलने वाली है वो कुछ इस तरीके से मिलने वाली है। तो हम इसको अप्लाई करते हैं और मैं बताता हूँ आपको इसके अंदर आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो मैंने MIUI 11 के लॉन्चर की सेटिंग्स जो है अप्लाई कर दी है। तो अब देखिए जो मेजर चेंजेस क्या देखने को मिलते हैं कि अब आपको यहाँ पे नीचे जो राउंड कलर का बटन है जिस पे अभी तक कोई आइकन विजिबल नहीं है, ये एक तरीके से आपका ऐप शॉर्टकट का बटन है। यानी कि इसके ऊपर अब आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको सारे एप्लीकेशन नहीं दिखेंगे जो पहले आपको दिखते थे, अब एक तरीके से दिखाएंगे। जब आप इस पर टैप करेंगे तभी आपको सारे के सारे ऐप जो है इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ऊपर एक आपको एक छोटा सा बटन यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे ये जो आपका जो ब्राउज ऐप ड्रॉर है वो क्लोज हो जाएगा। तो ये एक बटन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है इस तरीके से। सबसे अच्छी बात यह है कि ऊपर आपको यहाँ पे जो फर्स्ट रो है वो आपको रीसेंट ऐप्स की देखने को मिलेगी, यानी कि जो एप्लीकेशन आप मोस्टली अभी रिसेंटली यूज़ कर रहे हैं वो एप्लीकेशन सारी के सारी आपको ऊपर देखने को मिलेंगी, जिससे आपको काफ़ी ईजी रहेगा कि कौन कौन सी एप्लीकेशन आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं उनको आप यहाँ से ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। और उसके बाद आपको सारी की सारी जो है एप्लीकेशन एज इट इज़ देखने को मिलेंगी। एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगी, जो आपको राइट साइड में स्लाइडर दिख रहा है, जैसे जैसे आप जो किसी अल्फाबेट पर टैपते रहेंगे आपको वो जो आइकन्स है वो सारे के सारे हाईलाइटेड होते रहेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी हम जी के ऊपर हैं तो जी के ऊपर हमारी गैलरी, जीमेल और गूगल जो है हाईलाइट हो रखे हैं। एच पे आते हैं, एल पे आएंगे तो एल के हो जाएंगे, उसी तरीके से एम के हो जाते हैं, एन के हो जाते हैं। और देखिए इस तरीके से सारे के सारे जो आपके आइकन्स हैं वो एक तरीके से हाईलाइटेड होते रहेंगे और काफ़ी अलग सा इफेक्ट आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। तो ये कुछ चीज़ें आपको नए लॉन्चर के अंदर देखने को मिल सकती हैं कि आपको ऐप ड्रॉर का बटन देखने को मिलेगा, ऊपर ऐसे टैप करेंगे तो वापस ये क्लोज हो जाता है, आपको रिसेंट ऐप्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं और एक स्लाइडर देखने को मिलता है जो सारे के सारे आपके एप्लीकेशन को हाईलाइट करता है। तो इसको सिंपली अगर आप अपने फ़ोन के अंदर यूज़ करना चाहते हैं तो नीचे एक APK का लिंक दे दिया है मैंने, आप उस पर जाएंगे और उसको अपने फ़ोन के अंदर जाके डाउनलोड कर लेंगे। फाइल मैनेजर में उसको जाइए, उसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, आपको सिर्फ अपने होम सेटिंग्स पर जाना है और जो चाइनीज लैंग्वेज में जो एक ऑप्शन था उस पर आपने टैप करना है और वहाँ पर जाके सेकेंड ऑप्शन को इनेबल कर देना है। उसके बाद ये MIUI 11 की जो लॉन्चर की सेटिंग्स हैं वो आपके किसी भी Xiaomi फ़ोन के अंदर इनेबल हो जाएंगे। तो ये देखिए सिंपली आपको क्या करना है, जैसे आपने इंस्टॉल कर लिया आप इस पर टैप कीजिए, सेटिंग्स पर जाइए, मोर पे जाइए, मोर पे जाके चाइनीज लैंग्वेज है उसमें जाके इस सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद MIUI 11 का लॉन्चर के फीचर्स आप अपने किसी भी Xiaomi फ़ोन में एक्टिव कर पाएंगे। तो बस ये छोटा सा वीडियो इसी के ऊपर था कि MIUI 11 की छोटी छोटी चीज़ जो है लीक होना शुरू हो गई है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा ताकि आगे चल के आपको सारे के सारे MIUI 11 की लेटेस्ट न्यूज़ और लेटेस्ट ऐप्स के बारे में पता चलता रह सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।